सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का ईकेवाईसी कैसे करना है, इसका जो प्रोसेस है वो आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाले हैं। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी का ईकेवाईसी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से किस लाभार्थी का जो है ईकेवाईसी किया जाएगा। जैसे कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप लोग किए होंगे, तो बच्चों का जो है ईकेवाईसी कैसे करना है, लाभार्थी जो है गर्भवती और धात्री महिला उनका ईकेवाईसी कैसे करना है। जैसे कि लाभार्थियों में क्या है कि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उनका ईकेवाईसी कैसे करना है। यानी कि तमाम तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को आंसर देते हुए आप लोगों को लाइव यहाँ पर जो है कि ईकेवाईसी करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए और आप लोग यहाँ पर जो है कि ईकेवाईसी लाभार्थियों का कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप तीन चार तरीके से जाके लाभार्थियों का जो है यहाँ पे ईकेवाईसी कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका यहाँ पे आप लोगों को होम पेज पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो लाभार्थियों की एक लिस्ट खुलेगी, जिसमें 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती धात्री महिला का लिस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप लोग लाभार्थियों का ईकेवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि एक मॉड्यूल यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेनिफिशरी ईकेवाईसी। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, और एक तीसरा जो ऑप्शन है आप लोगों को यहां पे बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में देखने को मिलेगी, यहां पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मॉड्यूल है, गर्भवती महिला, धात्री माता और 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे का जो मॉड्यूल दिया गया है, यहाँ पे आप लोग अलग अलग जो नाम दिया गया है उस नाम पे जाके क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो उनका यहाँ पे ईकेवाईसी का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, तो आप इन तरीकों से जाके ईकेवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक बच्चे का लाइव प्रोसेस आप लोगों को करके दिखाते हैं किस प्रकार से आप लोग जो है बच्चों का ईकेवाईसी करेंगे। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे बच्चों का, तो उसमें बच्चे का आधार कार्ड तो बना नहीं होगा, तो उस टाइम आप लोग क्या किए होंगे कि आप लोगों से बोला गया था कि बच्चे के माता या पिता के आधार से आप लोगों को जितने बच्चे हैं उनका आधार वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ईकेवाईसी करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग ईकेवाईसी करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीट ईकेवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बताया गया है कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जिस भी माता या पिता का आधार से बच्चे का आप यहाँ पे आधार वेरीफाई किए हैं, उसी के आधार से आप लोग यहाँ पे बच्चों का ईकेवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज खुल के आएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसी प्रकार से जो लाभार्थी हैं उनका ईकेवाईसी करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पेज खुल के आएगा जहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर दर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके माता या पिता का, उन्हीं का आप लोग यहां पे जो है आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहां पे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहां पे सेम टू सेम फिल कर लेनी है, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आधार में जो भी नंबर लिंक होगा वो आप लोगों को यहाँ पे उसका लास्ट का 4 डिजिट दिखाया जाएगा, जिस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेनी है। तो चलिए हम ओटीपी डाल के आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी एक्सपायर लिख रहा है, यानी कि जो टाइम था यहाँ पे वो टाइम के अनुसार यहाँ पे जो ओटीपी है वो नहीं डाला गया है। तो आप लोगों को फिर से यहाँ पे आधार नंबर डाल के आप लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे रिटर्न टू पोषण ट्रैकर पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर से जो है लाभार्थी का ईकेवाईसी करने के लिए आपको वो पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए हम ओपन करके फिर से आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से जिस भी लाभार्थी का आपको ईकेवाईसी करना है उसका नाम यहाँ पे आप लोगों को ढूंढ लेना है। ठीक है, कंप्लीट एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है और फिर से आपको यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आधार और कैप्चा कोड डालने के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से उस नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी हम लोगों को यहाँ पे टाइम से पहले डाल देना है। तो ओटीपी आ चुका है, अब हम इसको यहाँ पे फिल कर ले रहे हैं। ठीक है, फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इनका जो है यहाँ पे EKYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखते होंगे कि एक पेज खुलता होगा जहाँ पे अलाउ और डेनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा था, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं खुला, डायरेक्ट यहाँ पे जो है इनका EKYC कंप्लीट हो चुका है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि इनका जो है आधार कार्ड से पहले भी एक बच्चे का जो है EKYC कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे EKYC इनका सबमिट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो भी बेनिफिशरीज हैं उनका EKYC कर सकते हैं। फिर से आप लोग यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी बच्चे का आप लोग यहाँ पे EKYC करेंगे उनका नाम यहाँ से हट जाएगा और पोषण ट्रैकर ऐप में जाके चेक करेंगे, यानी लिस्ट में जाके चेक करेंगे उस बच्चे के नाम के लिस्ट में, तो वहाँ पे उनका जो EKYC ऑप्शन है वो आप लोगों को कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी आप लाभार्थी का EKYC करेंगे उसका नाम यहाँ पे ओपन करके देखेंगे कि उस लाभार्थी का जो है EKYC कंप्लीट दिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट लिख के आ चुका है, यानी इनका जो EKYC है वो 8/8/2024 के दिन पे कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आप जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनका आप लोग EKYC कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैंने EKYC से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करें।